नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 3। सेम है क्वेश्चन नंबर 3, आप इसको कीजिए, मैं आपको एक मिनट का समय दे रहा हूँ, एक दो मिनट का। चलिए मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी कीजिए। डू इट फास्ट। ओके, चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। तो पहले हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2, 4, 3, 1। 2, 4, 3, 1 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? चलिए 2 से तो ये हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 से देखिए तो 4, 2 और 4, 6, 6 और 3, 9 और 1, 10। 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, 6 से नहीं होगा। 7 से ट्राई करते हैं, 7 से डिवाइड दीजिए। 2, 4, 3, 1, 7, 3 जै 21, 9, 3, 3, फिर 7, 4 जै 28, देन ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 × 5 = 1। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा, ये डिवाइड होना होना नहीं है, दैट मीन ये 3 से नहीं होगा। क्लियर है? आपको बस चेक करना है, ठीक है, पूरा डिवाइड करके नहीं देखना है, एक बार चेक करके कंफर्म हो जाइए क्या उस टेबल से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यदि नहीं हो रहा है तो उसको डिवाइड करना छोड़ दीजिए, यदि हो रहा है, आपको लग रहा है, तो उसको पूरा डिवाइड कीजिए। ठीक है, 7 से नहीं हो सकता, 8 से नहीं हो सकता, यदि 3 से डिवाइड नहीं है तो वो 9 से भी नहीं ही होगा, एंड 10 से नहीं, 11 से। 11 से हम क्या कर रहे थे, सम ऑफ ओड माइनस सम ऑफ इवन। तो सम ऑफ ओड क्या था, 2 + 3, मतलब 2 और 3, एंड ये सम ऑफ ऑड हो गया माइनस सम ऑफ इवन, दैट मीन 4 और 1 = 5। 4 + 1 दैट मीन 5 - 5 = 0, क्योंकि यदि 11 से डिविजिबल किया है, आपका जो आंसर होना चाहिए 0 या फिर 11, तो हमारा 0 आ गया, दैट मीन 11 से डिवाइड हो सकता है। तो 11 / 2, 4, 3, 1, एंड 11 × 2 = 22, 11 × 2 = 22, 1 1 = 11, तो 11 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2, 2, 1। क्लियर है? अब 11 से डिवाइड हो सकता है क्या, 2, 1, 3, 3 - 2 = 1। यदि आपका 1 आ गया तो ये डिवाइड नहीं होगा, आना क्या चाहिए 11 से डिवाइड होने के लिए, 0 नहीं तो 11। चलिए ये इससे नहीं हो सकता है, देन क्या ये 3 से होगा, क्योंकि 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 = 4 और 1 = 5, 2 से नहीं हो सकता है। अब 7 से एक बार ट्राई कीजिए, 7 / 2, 2, 1, देन 7 × 4 = 28, एंड 7 × 3 = 21, देन फिर कितना हो जाएगा, 8, 2, 2, 1 आ गया आपके पास, नहीं 7 से भी ये नहीं होगा। तो आपको इसी तरीके से ना चेक करना है। ठीक है, यदि आप मुझे बोलोगे तो मैं तो डायरेक्टली बता दूंगा कि ये किस टेबल से हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको चेक करना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। वन बाय वन आपको टेबल से माइंड लगा के चेक करना होगा ये है कि नहीं, 11 से नहीं है, 7 से नहीं है। अब ठीक है, 12 से हो नहीं सकता, 12 से तो चांस नहीं है। अब 13 से एक बार डिवाइड करके देखिए, 13 × 2 = 1, देन यदि आप लोग अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं क्विकली तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको रहने दीजिए। मैं कैसे करना है आपको बताता हूँ। जैसे 13 से डिवाइड करना है तो 13 × 13, क्योंकि 13 × 26 होता है, तो यहाँ पे 13 लिख के, तो अपने माइंड में 13 लिख के सबट्रैक्ट करके देखिए कितना आ जाएगा आपके पास,
इधर हो गया 7 and 2, 9, 1, देन 7, इतना आगे 17 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, 13 बाय ये कितना हो जाएगा 17, क्लियर है। फिर ये 17 डिवाइड 1, बस ये क्लियर है। देन प्राइम फैक्टर ऑफ 2, 2, 2, 4, 3, 1 इक्वल टू 11 इंटू 13 इंटू 17, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि ये भी आपके लिए क्लियर होगा। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि यदि आपने नहीं देखा है एक्सरसाइज 1A का, तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं आराम से। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर